Yes, a very good morning to all of you. So you know that from 26th of this month, your revision tests are going to be started, and accordingly syllabus has been circulated to your groups, right? So you should know better that which chapters are going to be there in revision test one and which will be there in revision test two. As far as revision test one is concerned, four chapters are included. One is number system, coordinate geometry, triangles, and then fourth one is linear equation in two variables, right? So we have done with the number system, then coordinate geometry and triangle is going on. One chapter is left, and that is linear equation. And your first test falls on, I think, 31st. 31st ko aapka Tuesday hai na test hai? Test is Tuesday, yeah. Mass test hai. And accordingly on 31st will be your first revision test. Not tomorrow, 31st, because the revision schedule is started from 26th. तो आपका फर्स्ट रिवीजन टेस्ट 31st को होगा, अकॉर्डिंगली द सेकंड विल बी ऑन 7th, ठीक है, आफ्टर वन वीक. सो फर्स्ट रिवीजन टेस्ट ऑलमोस्ट वन चैप्टर इज लेफ्ट, सो आफ्टर रिवाइजिंग ऑल द चैप्टर्स इट विल बी योर्स टर्न. आई विल जस्ट राइट हियर द टर्म एंड यू विल डिफाइन, यू विल टेल मी द डेफिनेशन, ठीक है. आई विल राइट द आंसर, यू विल फ्रेम द क्वेश्चन. ऐसे रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा दिमाग को घुमाने फिराने वाली, ठीक है. दिमाग वैसे बड़ा घूमता है हमारा, पढ़ाई में घूमे तो और अच्छा होगा, ठीक है. राघव प्लीज बेंच ठीक करो जरा, बेंच इज टिल्टेड. हाँ जी, बैठ जाइए. सो लेट अस, सो वन रिक्वेस्ट टू यू पीपल दैट डू हार्ड वर्क फ्रॉम दिस टुडे ओनली. इवन देन The things will be not as worst as they seems to be. इतनी बुरी चीजें नहीं होंगी जैसी लग रही है हमने, कि ऑफलाइन एग्जाम होने हैं, हम कुछ पढ़ते नहीं है ना, हमने क्लास अटेंड की, कुछ बच्चे ऐसे हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. बट अगर अभी भी वो सिंसियरिटी से अपना एफर्ट करेंगे, थिंग्स आर नॉट दैट वर्स्ट जैसे कि आपको लग रही है, ठीक है. सो अभी से अपने रिविजन टेस्ट ही अपनी ऑनेस्टी से देना, क्योंकि हमें ऑनेस्टी से ही रिटर्न पेपर में बैठना है. नोबडी विल देयर टू टेल यू द आंसर्स, ठीक है. Now, otherwise, so you prepare what kind of video conferencing, how to float the answers in the group. You were preparing like that. Okay? This time, the preparation should be different because you are going to appear in the offline exam. Now, you will see what is the duty of the teacher. But every teacher is strict in invigilation. Hardly matters. No one will come. Class mein students will be so few. You will know that you are trying to ask something from here. So, don't run after the wrong means of getting good marks. Just one good mean can sort out the problem. That is hard work, right? So abhi se padhna shuru kar do. Jinko abhi bhi lagta hai na ki this is just a mazak, please be very sincere towards your studies. Only then you will be able to do such a paper which will be consisting of such things which are based on concepts, definitions, and all that, and no doubt calculations as well. So please. जो हो गया हर्षित हो गया, अब आज से ही हम पढ़ना शुरू कर देंगे. कम से कम मैथ्स तो हमें रोज 1 आवर, 1 to 1.5 आवर पढ़ना ही पड़ेगा. वी वॉन्ट टू गेट पास्ट, ठीक है. अभी मैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन पूछ लू ना हर्षित, आपको आती नहीं होगी. आती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन? तो कैसे पेपर देना, दिमाग में जोर भी नहीं डालते, सीधा ही नहीं. हर्षित इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इफ यू आर नॉट नोइंग द डेफिनेशंस टू अटेम्प्ट अ पेपर. आपने हर चीज का मजाक बनाना, हर चीज को अब भूल जाओ, अब पढ़ना शुरू कर दो. नाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव है. सो वी वर डूइंग 7.2 एक्सरसाइज, आई थिंक 5 क्वेश्चंस वी हैव डन फ्रॉम 6.1. तो कब की खत्म हो गई है 7.2. ज्यादा पैसे दे दिए अपनी सिस्टर को राखी के? मैंने कहा शायद ज्यादा दे दिए और दिमाग में अब वही खराब हो गया, कितने पैसे चले गए हैं. 7.2 इज गोइंग ऑन, सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6. वी हैव टू स्टार्ट विद, आई एम टेलिंग यू साइड बाय साइड दैट हाउ द ट्राइंगल चैप्टर्स क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड टू एमसीक्यू, कन्वर्टेड टू डेफिनेशन. कीप दीज थिंग्स इन माइंड. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6. एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एबी इज इक्वल टू एसी.
there is an isosceles triangle like this. AB is equal to AC, it is given to us. BA is produced to a point D. This BA produced to a point D in such a way such that AD is equal to AB. This AD, this is equal to AB. So two things are given to us. One is AB equal to AC. Another is AD equal to AB. And this is the key point of the solution of the proof, that we are, how we are going to use these two givens, right? We want to prove that angle BCD is equal to 90 degree. Angle BCD equal to 90 degree. जैसे सीधा क्वेश्चन यहां से बन रहा है, why, what kind of triangle is ABC for angle BCD to be 90 degree? मैंने ABC की बात की है. Isosceles triangle. Four options can be there. Isosceles, scalen, equilateral, right angle triangle. So you will take it to be isosceles triangle. ऐसे क्वेश्चन जो है, नहीं, I am talking about ABC, not BCD. किसको 90 डिग्री बोला? BCD, what kind of triangle ABC should be for BCD to be 90 degree? पूरी फिगर आएगी पेपर में. With the whole figure, it will be given that it can be given that what kind of triangle ABC should be for BCD to be 90 degree? क्या आंसर लिख के आओगे? देखो अभी बजे बजे हुए. आइसोसेलेस होना चाहिए, इक्विलेटर होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए कि स्केलन? आइसोसेलेस. तो जो कॉन्ग्रेंसी है, स्कोर भी ध्यान से करना पड़ेगा. इसके क्वेश्चंस में से क्वेश्चन बन के आ जा रहा है. हमें तो क्वेश्चन नहीं आता, ऊपर से क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या बनेगा इसके लिए? फिर आप खुद सोचो, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद इट्स प्रूफ. We want to prove BCD to be 90 degree. Let us, whenever we need to find the value of a certain angle, we need all the values of the other angles. So let us mark the other angles. So we angle 1, angle 2, let it be angle 3 and angle 4. हमने सारे angles को mark कर दिया. अब जो हमारे पास given है, let us use them. First given is AB is equal to AC. And when AB is equal to AC, if two sides are equal, base angles are equal, so you can have angle 1 is equal to angle 4. Now I'm writing the two givens collectively, AB equal to AC and AD equal to AB. Now this AD is equal to AB, this is on a line. Line pe do hisson ka equal hona hame kahin pe nahi pahuncha sakta. Two sides equal, if in triangle, then we can conclude something. Theek hai na? To isko hum kaise kisi triangle mein shift karein? Let us see. AD is equal to AB, AB is equal to AC. So, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखती हूँ. I'm writing it AC equal to. Euclid आया, चला गया, पता भी नहीं चला, है ना? बेचारा चैप्टर ही डिलीट हो गया. पर बहुत सारी बातें हमें सिखा गया. एक बात उसने हमें सिखाई थी, things which are equal to the same things are equal to one another. जो चीजें सेम चीज के इक्वल होती हैं, वो आपस में इक्वल होती हैं. So what this implies? This implies AC is equal to AD. AC and AD are equal. Now we have shifted to a triangle. In this triangle, we are having AC is equal to AD. So when AC is equal to AD, so this implies angle 2 is equal to angle 3. Now in whole triangle BCD, हमें हमारा angle जो हमारा target है, that is sitting in the triangle BCD. पूरे triangle BCD में now we will apply angle sum property. We know that in a triangle sum of all angles is 180 degree. So if I'm writing in triangle BCD, I can have the sum of three angles. One is angle B, another is angle C, and third one is angle D. This is 180. ये कैसे हुआ? यूक्लिड चैप्टर किया था,
यूक्लिड वाला चैप्टर किया, चैप्टर नंबर 5, नाम याद है, अच्छा चैप्टर नहीं किया, कहाँ थे आप, मैंने तो करवाया है, चैप्टर नंबर 5। मैम कौन सी बातें कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो, है ना, हाँ रिवाइज करना भी नहीं, डिलीट हो गया, ठीक है। चलो देखो फिर, ए सी कहता मैं ए बी के इक्वल हूँ, ए डी कहता मैं भी ए बी के इक्वल हूँ, इसका मतलब वो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। एक्स कहता वाई मेरा रिश्तेदार है, जेड कहता वाई मेरा भी तो रिश्तेदार है, तो एक्स जेड का आपस में भी माने भी, तो आप बाहर जाके बात कर सकते हो। इस दिस काइंड ऑफ इंट्रैक्शन इज नॉट अलाउड इन द क्लास, जिसको करनी है ऐसी इंट्रैक्शन वो मेरी क्लास से बाहर जा सकता है, ठीक है। चलिए, सो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यू सी व्हेन वी राइट इट इन द टर्म एज वी आर डायरेक्टिंग इट देम, एंगल बी इज एंगल 1, एंगल सी कंसिस्टिंग ऑफ 2, एंगल 3 एंड 4, एंड एंगल डी इज एंगल 2, दिस इज 180। हमारा टारगेट है कि हमें सारी इक्वेशन में 3 और 4 दिखे, बिकॉज बी सी डी इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 और 4, दैट मीन्स वी हैव टू ओमिट दिस 1 और 2। क्या मैं 1 को की जगह पे 4 लिख सकती हूँ रितिका? कैसे? बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख के बता दो, इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, कितना खुश हो रही है कि मुझे पता नहीं चला। 1 को हम 4 लिख सकते, 3 और 4 को गायब नहीं करना, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो 3 और 4 में इंक्लूड है। व्हाट अबाउट एंगल 2, कैन इट बी रिप्लेस्ड बाय एंगल 3? यस, दिस इज 2 टाइम्स एंगल 3 एंड 2 टाइम्स एंगल 4, एंगल 3, एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 3, एंगल 4, एंगल 4, 2 टाइम्स एंगल 4। सी यू कैन टेक 2 एज कॉमन, सो 3 + 4 इज इक्वल टू 90, तो व्हाट इट मींस बीसीडी इज इक्वल टू 90। ऐसे भी आ सकता है बिना फिगर के क्वेश्चन आ जाए, आपको बोला जाए कि देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी व्हिच इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड देन द साइड एबी इज रिड्यूस्ड टू द पॉइंट डी सच दैट एडी इज इक्वल टू एबीसीडी इज जॉइंट, ठीक है, बिना फिगर के क्वेश्चन आया, एंड देन क्योंकि फिगर से तो पता ही चल रहा है बीसीडी 90 डिग्री है, देन पूछ लिया गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीसीडी, 90, 60, 30, 20, 90 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चंस की फ्रेम तभी बनाओगे तो पता चलेगा, रफ में बनाना, रफ में बनानी है, जरा सजाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी ने नहीं देखनी फिगर सजी हुई, सबने एक बिंदी देखनी है सही जगह पे लगी हुई। ये बातें बात की हैं, अभी की बात ये है कि हम प्रिपेयर कर लें, बाद में बेटे ही इज आस्किंग अबाउट सेप्टेम्बर टेस्ट, यू डोंट बी ओवर स्मार्ट, ओके। चलिए चलिए, यस, क्वेश्चन नंबर 7, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए ने अपनी जगह जो है वो फिक्स कर ली है, बी और सी बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ए इज 90 डिग्री, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप सीधे क्यों नहीं होके बैठते, कम टू दिस कॉर्नर ऑफ द बेंच, सिट स्ट्रेट, हाँ कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, यू आर सच ए ब्रेव बॉय, सीधे हो जाओ, हाँ हाँ ठीक है ना, सो एंगल ए इज 90 डिग्री and the AB and AC they are equal, we are given AB and AC they are equal and we want to find the values of angle B and C, this is not to prove, this is to find, and whenever to find we should know the other angles, only then the two angles can be found, this is known and also it is given 1 minute, Ritika se kis din puchhenge, aaj hi puchhenge na, Ritika AC equal to AB, what this implies, ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं,
तो फिर पता नहीं क्यों इतनी डरी डरी सी, सेमी सेमी सी, कंफ्यूज सी रहती है। बेटे ऐसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, नाइन्थ में हो गए हो आप, अब ऐसे नहीं बात बननी कि आप डरे डरे हर जब भी कोई क्वेश्चन पूछो डर जाओ। क्यों? गलत बोलो, कुछ तो बोलो, क्या होगा आंसर? दीज टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। पैर तेरे सेम सेम है, दोनों साइज ठीक है, पैरों का दोनों का सेम है, जूतियां सेम डालती है कि अलग अलग साइज की? पैरों का साइज सेम है ना, उनमें जूतियां सेम साइज की डालती है कि अलग अलग की? तो फिर अगर ये दो पैर सेम है तो जूतियां भी तो सेम होंगी पैरों में, क्या फिर क्या लिखें? वन टू तो है ही नहीं। नहीं करना मैंने मार्क, कोई नाम मार्क के बिना और नाम नहीं है उसके कोई। बेटे ए बी इक्वल टू ए सी, तेरे को मैंने एग्जांपल भी दे दी कि तेरे पैरों में जूतियां सेम नापती हैं, हैं कि नहीं है ना? तो यहाँ पे अप्लाई कर इसको, ये दोनों पैर सेम है तो जूतियां कहाँ होती हैं पैरों में? कहाँ आएंगी जूतियां? यहाँ आएंगी। तो क्या होगा फिर? ये कौन है? हाँ एंगल बी इक्वल, पता चल ही गया कि मेरे पैरों में सेम शूज है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, विच रूल वी हैव अप्लाइड? एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। रितिका ये चीज तो हम सेवंथ से करते आ रहे हैं, हम इसको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, नाइन्थ में हो गए हम। तो अब हम ट्रायंगल एबीसी में कौन सी प्रॉपर्टी लगा दें? एंगल सम प्रॉपर्टी। लेट अस अप्लाई। ए की वैल्यू कितनी है रितिका? 90 डिग्री। बी एंड सी इक्वल है? क्यों हटाए? क्यों क्यों 180 माइनस 90 एक स्टेप में कर दिया तो कैसे हो गया? वाह जी वाह, वाह जी वाह गौरव जी, बता ये ठीक नहीं है ये? यहाँ से ये एक ही स्टेप में दो चीजें कर दी, बी बी टू टाइम बी एंड 90 माइनस। अब देखो सीधा ही क्वेश्चन आ सकता है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी एंड सी? 90 90 60 60 45 45 30 30 45 45। ठीक है रितिका, याद रहेगा अगर पैर सेम है तो उनमें डाले जाने वाली जूतियां भी सेम ही होती हैं। ये नहीं कि पैर पांच नंबर के, एक पैर में पांच नंबर की जूती डालो, एक में छह की, फिर चलो ऐसे ऐसे सेम होता है। वैसे अगर दो साइड सेम है तो उनके पैर, उनकी जो एंगल है उनके पैरों में, वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है चलो, के तो अब शो दैट वाली तो बात ही खत्म होगी। प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60। प्रूफ तो आने ही नहीं है, तो ये प्रूफ तो मैं करवाने भी नहीं लगी अब। हाँ सिलेबस में मेंशन है, इसका मतलब ये है कि हमें प्रूफ करने हैं, वो बोल्ड होके किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। वन मार्क में ऑब्जेक्टिव, वन मार्क में एक्सप्लेनेशन भी नहीं आनी, अब तो सिर्फ बिंदियां आनी है, तो वहां पे प्रूफ मैटर। तो ऐसे ही पूछेगा दैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज 30 20 60 45 60, ऐसे नहीं पूछे। नहीं नहीं सीधा लिख के आओ, कॉमन सेंस है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स पता है ना रितिका, 60 डिग्री ईच होते हैं। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री। जिस जो आता होता है इसको वो भी भूल जाता है, पता नहीं क्यों डर रहा है, डर जाती है, डरना नहीं है बेटे। नाउ 7.4 गुरपाल सिंह जी इज डिलीटेड, जो इनइक्वालिटीज वाली एक्सरसाइज है 7.4 दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, डिलीटेड बाय एज पर एज द सिलेबस ऑफ सीबीएसई। ठीक है तो हमारी इनइक्वालिटीज डिलीट है, फिर रिपीट क्यों करनी? सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन द थर्ड साइड, आनी लेस देन द थर्ड साइड आनी नहीं है पेपर में जब कट, हाँ कट गई हुई है। ठीक है 7.4 ही डिफिकल्ट थी, वही कट गई, रह क्या गया फिर 7.123। चलिए लेट अस स्टार्ट विद 7.3 एक्सरसाइज।
मोस्ट प्रोबेबली कल से हम शुरू कर देंगे लीनियर इक्वेशन। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। वी आर हैविंग ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। If AD is to, AD is extended to the point P, मैंने पहले कर दिया extend इसको P point up, then we have to see triangle ABD congruent to ACD. Second is ABP congruent to ACP. इसमें ऐसे आ सकता है जैसे आपको फिगर दे दी और साथ में पूछा ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रेंट टू डैश, नीचे चार ट्रायंगल दे दिए एबीडी एसीडी एबीपी एंड होल एबीसी, कौन सा टिक करके आओगे? एसीपी। ये चीजें ऐसे ही घुमा फिरा के आनी है तो प्लीज बी केयरफुल। कुछ लोग कह रहे हैं कॉन्ग्रेंसी चैप्टर छोड़ दो, उसमें कुछ आना ही नहीं क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में, घूमेंगे फिरेंगे और पेपर में आ जाएंगे आपके। कुछ लोग, मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं है, आप एक्चुअली लास्ट वीक से एब्सेंट थे, हम यही बता रहे हैं कि प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। हैव यू अटेंडेड इट ऑनलाइन? चलिए बस इन ट्रायंगल एबीडी, राघव आप भी बहुत बोलते हो, एंड एसीडी ABAD common, GIAD common, फटाफट बता सकते हैं। AB equal to AC. Angle one equal to two कहाँ से आ गया भाई? किसने बोला bisector? अपनी मर्जियां नहीं करनी, please, अपनी मर्जियां नहीं। It is given BD equal to DC. BD is equal to DC. By triple S rule, triangle ABD is getting congruent to triangle ACD. Next is to prove ABP is congruent to ACD. In triangle ABP and triangle ACD. AP AP common, अच्छा आपने बोल दिया इस पर पहले। AP AP common we can see in triangle ABP and ACP. AP AP common, AB equal to AC, it is given. Triangle में भी नहीं है, ऐसे ले लिया BD equal to CD. Triangle ABP है और इधर से ACP है, why BC equal to CP? Because it is taking altitude from that. Who telling you? Who is telling you altitude? Who is telling you this? Angle B equal to angle C से कोई rule ही नहीं बनेगा। ABD is congruent to ACD. We are working in ABP and ACP. तो ये इसकी कॉन्ग्रेंसी किस दिन काम आएगी? इसकी, अब बताओ, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू नॉट गिवन बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी ऑफ द प्रूव्ड अबव, ठीक है? सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू बाय सीपीसीटी। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी, एक मिनट, दिस क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस कि आपको फिगर दे दी एंड वन ट्रायंगल इज रिटन that triangle ABD is triangle ABP is congruent to triangle ACP, right? And with the two conditions are given, it is given that AB equal to AC, AP AP common, what should be the third condition? Third condition puchnega angle B equal to angle C. Dekhna aap logon ne confuse hona yahan pe, many of the student they will write it angle B equal to angle C,
जैसे कि अभी अभी किसी बच्चे ने बोला, rather it is angle one is equal to, ऐसे लिखा होगा BAP is equal to CAP, which option will be correct? BAP equal to CAP. Don't go with angle B equal to C, because if you are going with angle B equal to C, no rule will be satisfied. These two sides and these angle, SSA कभी होता ही नहीं है. So ये वाला angle तो हम we can't take it like this. So option कौन सा correct होगा? Angle BAP is equal to angle CA. ठीक है, ऐसे घूम जाने हैं क्वेश्चंस और हमें कंफ्यूज किया जाएगा. ठीक है, हम वैसे तो बड़े शरारती हैं, कभी कंफ्यूज होते नहीं है, पेपर में भी ना होप सो. हाजिर जवाबी हमारे पास बहुत है, क्यों हर्षित? तो पेपर में भी हमारे पास हमारा पेन ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे आंसर करके आएगा ना, कि पेपर को भी पता लगेगा कितने हम वो है. ठीक है ना, चलो नेक्स्ट इज AP bisect A as well as D. सीधा आ सकता है AP bisect A as well as dash angle. देखना पड़ेगा वहां पे एंगल D. सबसे पहले AP this bisect A, is it, I think it is proved why so, because angle 1 is equal to 2 by CPCT. So when 1 is equal to 2, it means AP bisect angle. Now we want that AP bisect angle D as well. So अभी अभी आपने इनकी congruency prove की. 3 किसके equal हो गया? Again by? ठीक है? Sure. AP is perpendicular bisector of BC. ये देखना पड़ेगा. कर लो फिर, कर सकते हैं इन छोटों की ज्यागति की नहीं है, कर लेते हैं. ये बड़ा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है और हमने प्रूव किया ये इसके कॉन्ग्रेंट है. माइनस कर दो तब भी कॉन्ग्रेंसी आ जाती होती है. अगर बड़े में से दो इक्वेशंस इक्वल हैं, एबीपी कॉन्ग्रेंट टू एसीपी है और उधर से एबीडी कॉन्ग्रेंट टू एसीडी, यही किया ना हमने. माइनस करो, इसमें से बनेगा बीडीपी कॉन्ग्रेंट टू सीडी, या फिर अकेला भी कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं है. माइनस कर दो फटाफट से, हमारा टाइम सेव हो जाएगा. ठीक है, सो वी वांट टू प्रूव दैट एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी. वी प्रूव दैट बीडीपी इज कॉन्ग्रेंट टू सीडीपी. हाँ, माइनस करके किया. ये बड़े ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, ये छोटा इसके कॉन्ग्रेंट है, बड़े में से ये छोटा और बड़े में से ये छोटा, नीचे वाले दो रहे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग कोई बता सकता है? ये ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इट डज टू टास्क एट ए टाइम, दैट मींस इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एज वेल एज इट डिवाइड्स द लाइन इनटू टू इक्वल. ऑन द अदर हैंड परपेंडिकुलर हैज ओनली वन, परपेंडिकुलर हैज ओनली वन प्रॉपर्टी, दैट मींस इट इज ओनली 90 डिग्री एंगल. ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर इसको बोलना है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. दो चीजें होनी चाहिए, पहली बीपी इक्वल टू पीसी बाय सीपीसीटी. अब यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, लेट मी मार्क इट टू बी एंगल 5, इट टू बी एंगल 6, दे शुड बी 90 डिग्री ईच. जब भी दो एंगल्स को 90 डिग्री ईच प्रूव करना हो, पहले दोनों का सम 180 होना चाहिए. क्या दोनों का सम 180 है? लीनियर पेयर है, सम 180 होगा ही होगा. 5 + 6 = 180. एंड सेकंड कंडीशन इज दैट बोथ शुड बी इक्वल. आर दे इक्वल? रीजन, because the triangles are congruent by CPCT 5 is equal to angle 6, so one can replace by the other. 2 times angle 5 180, angle 5 is equal to 90. Similarly angle 6 is also, when 5 is equal to 6 is equal to 90 degree and BP is equal to PC as well, then we say that AP is perpendicular bisector of
Is it okay? Look at example number 8. Example number 8. Example 8 is P is a point which is equidistant from the two lines L and M. There are two lines L and M which are intersecting. They are intersecting lines. P is a point equidistant from the line L and M intersecting a point A. ये A point पे intersect कर रही है और P जो है वो L और M से equal distance पे है. P का L से distance, P का M से distance. P का L से डिस्टेंस PB हो गया और P का M से डिस्टेंस हो गया PC. चलो, विल कंटिन्यू टुमारो.